कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार चल रहे घोटालों में जहां शिक्षक भर्ती पशुपालन विभाग में घोटाले की जांच उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश द्वारा कराए जाने की बात कही, वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आरोप है जहां लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर परीक्षा देते हैं और नौकरी लगने का इंतजार करते हैं, लेकिन सरकार की भ्रष्ट व्यवस्था के चलते ज्यादातर भर्तियां कोर्ट में लटक जाती हैं या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। वहीं कांग्रेसियों ने मांग की कि घोटालों में लिप्त विभाग के मंत्रियों की तत्काल गिरफ्तारी हो। ज्ञापन सौंपने आए महानगर अध्यक्ष हाजी रिजवान कुरैशी के साथ विनोद गुम्बर, नितिन कुमार सगीर सहित समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे, अभी शिक्षक भर्ती घोटाले में आपने देखा 69,000 शिक्षक भर्तियाँ रद्द हो गई, इतने करोड़ों रुपए अरबों रुपए लोगों से लूट दिए गए, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिली। शिक्षक वैसे गरीब है, कहाँ कहाँ से अपनी फसलें बेच के उन्होंने पैसे दिए होंगे। उसके बाद पशुपालन घोटाला, उसके बाद आप चाइना का देख ही रहे, प्रधानमंत्री का बयान अलग है, विदेश मंत्री का बयान अलग है, राजनाथ सिंह का बयान अलग है, और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया नड्डा जी ने, उनका बयान अलग है। हम लोग, हमारे नेता, हमारी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ये पूछना चाहती है कि हमारी सीमा सुरक्षित कहाँ तक है, सेनाएँ को क्यों छूट दी जा रही, और जो घाटी है, घाटी हमारे कब्जे में है, उनके कब्जे में है, चाइना बॉर्डर से कितनी दूर है और हमारी आर्मी कितनी दूर है, ये साक्षात करते हैं। अभी हमने डीएम साहब से बृहस्पतिवार को उपवास है हमारा, हमने उपवास के लिए परमिशन मांगी तो उन्होंने परमिशन देने से बता, उन्होंने कहा कि आप उपवास दे, लेकिन हम उपवास दें, उपवास करें ना, मुकदमे घोटाले वाले मामले लेकर क्या बात हुई, घोटाले वाले को ज्ञापन दिया है, ज्ञापन दे दिया है, और ज्ञापन आपने